आज वर्ल्ड निमोनिया डे है और आज हम बात करने वाले हैं इस बीमारी के बारे में। ये कैसे होती है, इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, कौन लोग इसके हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं, इसके अलावा इसके सिम्टम्स के बारे में भी जानेंगे और साथ ही ये भी जानेंगे कि इसकी जांच कैसे होती है और इसके बचाव कैसे संभव है। सबसे पहले बात करते हैं निमोनिया बीमारी के बारे में। तो ये एक प्रकार का लंग इन्फेक्शन होता है जो ज़्यादातर बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई या पैरासाइट के कारण होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि विंटर्स में या सीजन चेंज होने पर हमारी हेल्थ पर भी असर पड़ता है और इस वक्त रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, खांसी, जुकाम जैसी बीमारियों के बढ़ने की संभावनाएं भी अधिक हो जाती है। इसमें निमोनिया की बात करें तो ये मुख्य रूप से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये सुनने में जितनी कॉमन और इजी लगती है उतनी ही डेंजरस भी हो सकती है। दरअसल निमोनिया वर्ल्ड का लीडिंग इन्फेक्शियस डिजीज है और सीवियर निमोनिया की वजह से काफी डेथ्स भी हो जाती है। स्पेशली पोस्ट पेंडेमिक पीरियड में कोविड-19 ने भी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है और जिस तरह दिल्ली में पॉल्यूशन लेवल बहुत हाई है, ऐसे में लो इम्यूनिटी वाले लोगों में निमोनिया का खतरा बहुत बढ़ जाता है। दरअसल एयर पोल्यूशन एक लीडिंग फैक्टर है जिससे निमोनिया और ज्यादा सीवियर हो सकता है, क्योंकि पोल्यूशन या टॉक्सिक गैसेस हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम की इम्यूनिटी को ब्रेक कर देती है जिससे इन्फेक्शन आसानी से हो सकता है और अगर टाइम पर डिटेक्ट ना हो तो निमोनिया पेशेंट्स में सीवियर निमोनिया होने के चांसेस भी बन जाते हैं। रिकॉर्ड्स के हिसाब से बताएं तो 2019 में टोटल 7.49 लाख निमोनेटिक डेथ में से ऑलमोस्ट 1/3 डेथ सिर्फ पॉल्यूटेड एयर की वजह से हुई थी। अब एयर पोल्यूशन के भी दो कारण हैं, एक तो हाउसहोल्ड एयर पोल्यूशंस जिसमें कि घर का एनवायरनमेंट ही पॉल्यूटेंट से भरा होता है, जिसमें ज़्यादातर घरों में कुकिंग या पॉल्यूटिंग फ्यूल्स यूज करने से पोल्यूशन होता है और ये बच्चों को ज़्यादा प्रभावित करता है। वहीं आउटडोर एयर पोल्यूशन ज़्यादातर इंडस्ट्रीज या व्हीकल के स्मोक से होता है और इससे अडल्ट ज़्यादा प्रभावित होते हैं। आंकड़ों की अगर बात करें तो हाउसहोल्ड एयर पोल्यूशन जो घर में होने वाला इंडोर पोल्यूशन है उसकी वजह से करीब 4.2 लाख न्यूमोनेटिक डेथ हुई है। वहीं अगर आउटडोर एयर पोल्यूशन की वजह से देखें तो 3.2 लाख डेथ रिकॉर्डेड है। आखिर ये बीमारी जानलेवा क्यों है? दरअसल निमोनिया में फेफड़ों में सूजन आ जाती है और इन्फेक्शन की वजह से या पानी भर जाने की वजह से इससे आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। कई बार सीवियर होने से इन्फेक्शन ब्लड के जरिए अन्य बॉडी के पार्ट्स में फैलता है, जैसे कि ब्रेन या किडनी। इस कंडीशन में पेशेंट का ब्लड प्रेशर लो हो जाता है और इसके साथ ही किडनी डैमेज व एक्सेसिव वीकनेस हो जाती है और इस कंडीशन को हम सेप्सिस कहते हैं। इसके अगर लक्षण सिम्टम की बात करें तो तेज बुखार के साथ बलगम वाली खांसी और जुकाम जैसे लक्षण देखे जाते हैं। वैसे तो कोविड या अन्य नॉर्मल इन्फ्लुएंजा के शुरुआती लक्षण भी इसी तरह के होते हैं, लेकिन अगर आपको हाई फीवर के साथ कफ या कोल्ड है और 2 या 3 दिन से ज्यादा हो गए हैं, फीवर ठीक नहीं हो रहा है, तो निमोनिया का सिम्टम हो सकता है। इसके अलावा निमोनिया के पेशेंट्स के रिब्स में पेन और सांस लेने में भी दिक्कत होती है। कुछ लोगों को गले में दर्द रहता है, खांसी में ब्लड या येलो कलर का बलगम भी आता है। वैसे तो ये किसी भी उम्र के लोगों को हो सकता है, पर इस बीमारी का ज्यादा असर खतरा जो होता है वो 15 साल से कम उम्र के बच्चों में और 70 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों में होता है। स्पेशली बच्चों की बात करें तो जैसा कि बच्चे सिम्टम लक्षणों को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, इसलिए अक्सर उनमें सिम्टम्स को मॉनिटर करना पड़ता है। जैसे कि तेज बुखार के साथ सांस लेने में दिक्कत हो तो इसकी जांच कराई जा सकती है। दरअसल छोटे बच्चों में अगर मल न्यूट्रिशन है, यानी खान पान की कमी है, या फिर जन्म के समय बच्चे का वजन कम है, पोल्यूशन की वजह से या जिंक की कमी से बच्चों में इसका खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि अक्सर ये बीमारी लो इम्यूनिटी वालों को जल्दी से पकड़ती है। इसलिए बच्चों और बुजुर्गों के अलावा लो इम्यूनिटी वाले लोग जैसे डायबिटिक पेशेंट, कैंसर पेशेंट या अन्य कोमॉर्बिड पेशेंट्स में सीवियर निमोनिया के चांसेस बने रहते हैं। इसकी जांच की अगर बात करें तो इसके लिए एक सिंपल ब्लड टेस्ट होता है जिसको CBC कहते हैं, जिसमें अगर TLC बढ़े हुए हैं और एक चेस्ट एक्सरे हम करते हैं जो कि इसके लिए बेसलाइन एक बहुत ही अच्छा टेस्ट माना जाता है, और अगर चेस्ट एक्सरे के अंदर निमोनिया के पैचेस नजर आ रहे हैं और पेशेंट को लक्षण भी है तो निमोनिया का
डायग्नोसिस बन जाता है और कुछ केसेस के अंदर सीटी स्कैन या ब्रोंकोस्कोपी की भी आवश्यकता पड़ सकती है। अगर बैक्टीरियल निमोनिया है तो वो जल्दी ठीक हो जाता है, पर जो वायरल निमोनिया है उसको ठीक होने में समय लगता है। इसके बचाव और सावधानी की अगर बात करें तो आपको ठंडे पानी से या किसी भी तरह के ठंडे चीज़ों से अपने आप को बचाना है, और प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट में इसकी वैक्सीन भी अभी अवेलेबल है जो 3 से 5 साल में ली जाती है। इसके अलावा हमें अपनी इम्यूनिटी पे काम करते रहना चाहिए। हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तो हम किसी भी तरह के इन्फेक्शन से लड़ने में सक्षम होते हैं। और न्यूट्रिशन से भरपूर आप चीज़ें लें, फ्रूट्स एंड विटामिन सी का इस्तेमाल करें। जो लो इम्यूनिटी वाले लोग हैं, एल्डरली लोग हैं जिनकी उम्र अधिक है, या जो छोटे बच्चे हैं 5 साल से कम उम्र वाले बच्चे, इनका हमें विशेष तौर पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट इसके अंदर आ जाता है कि किसी भी तरह के लक्षण है तो आप टाइम से अपने टेस्ट करा के इसका डायग्नोज जरूर करा लें, क्योंकि ज़्यादातर केसेस के अंदर निमोनिया जब सीवियर होता है उस समय पेशेंट अपनी जांच कराता है। जितना अर्ली हम डायग्नोज कर पाएंगे उतना ही इसका ट्रीटमेंट फास्ट ट्रैक पे हो पाएगा। इस वर्ल्ड निमोनिया डे पर आइए हम कमिट करते हैं कि अपने साथ साथ लो इम्यूनिटी वाले लोगों को इससे बचाव के तरीके और सावधानियां बताएंगे। पॉल्यूशन को रिड्यूस करने में हम इंडिविजुअली स्टेप्स जरूर लेंगे, एटलीस्ट अपने घर में हाइजीन मेंटेन करेंगे और इंडोर प्लांट्स जरूर लगाएंगे।